मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4G जो कैमरा है अपने आया है, जिसमें सिम का डायरेक्ट आप इंसर्ट करके उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, तो कौन सा मॉडल है और क्या उसका फीचर्स है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको मॉडल दिखाना चाहूँगा कि ये अपना मॉडल है, जिसका मॉडल है CP-UNC-TD21L8-VMG। ये आपका मॉडल है, जी डिनोट करता है आखिरी का कि आपका 4G सिम कार्ड सपोर्टेड है। इसमें किसी भी कंपनी का आपका सिम लग सकता है, वोडाफोन का हो, एयरटेल का हो, आइडिया का हो, BSNL का हो, 3G 4G जो भी हो सब आपका काम करेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ ये कैमरा का बॉक्स के अंदर क्या आपको मिलेगा। अभी जस्ट मैंने निकाला है ये एक, आपको उसमें मैनुअल मिलेंगे आपको और ये कनेक्टर्स मिलेंगे जो आपको लैन केबल का जो है सो कि जो कनेक्शन होता है उसको आप जॉइंटर बोल रहे हैं, जिससे वो पानी से बचाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैमरे के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। ये आपका कैमरा है, आपको ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहे हैं इस पोर्शन को आपको ओपन करना है, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये आपका रिसेट का बटन है, ठीक है। ये आपका SD कार्ड का है पहला स्लॉट, ठीक है। और जो कैमरे के एंड पे जो डिजर लेंस साइड है उस पर सिम लिखा हुआ भी, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा एक बार कि सिम का स्लॉट कौन सा है और SD कार्ड का स्लॉट कौन सा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें कितना GB का SD कार्ड लगेगा, तो वो है, अभी मैंने इसको 64 GB यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास यही था, ठीक है। आप इसको 128 GB तक मैक्सिमम सपोर्ट करेगा ये SD कार्ड आपका। और ये मैंने दो सिम यूज़ किया है, वोडाफोन का भी और जियो से, तो दोनों से काम करता है, आप जो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी भी कंपनी का सिम इसमें आपको यूज़ कर, मैं अभी जियो का लगा रहा हूँ क्योंकि वोडाफोन को मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका ये कटा हुआ, ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा और ये इसका मेटालिक पार्ट जो है आपको ये अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन में मैं इसको प्रेस करता हूँ, याद रखिएगा इसको ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, ये आराम से जब जाएगा ये बढ़िया से अगर आप फीड कर देंगे आप, तो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ये छोड़ेगा आपको, और जब इसको प्रेस करेंगे इस तरह से तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस कार्ड का जो मेटालिक पार्ट है वो कैमरा की आगे की ओर रहेगा, ठीक है। और ये जो छोटा वाला साइज़ जो है वो नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, स्प्रिंग लगा हुआ है आपका, इसको भी आप लॉक कर देंगे और उसके बाद इसे आप इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको, ये हमने इसे फिट कर दिया, ठीक है। अब हम ये कैमरे का आपका केबल्स हैं, क्या क्या इसका फीचर्स है। जैसे इस कैमरे को आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका ऑडियो इन दिया हुआ है, ऑडियो आउट दिया हुआ है, ये आपका पावर का है, तो और ये आपका लैन पोर्ट है शुरू में आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आप इसे सिम की मदद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर लैन केबल आपका इंटरनेट अगर पास में है तो उससे भी कर सकते हैं। और ये आपका कनेक्टर्स जो दिए हैं केबल्स आपके, ये दिए हैं आपको अलार्म इन अलार्म आउट का ऑप्शन, हुटर वगैरह लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि इसको मैं ये लैन केबल लगाऊंगा और इसको मैं पावर दूंगा, ये पावर का सारे केबल्स पे लिखे हुए हैं किसमें ऑडियो इन है किसमें ऑडियो आउट है, ये मैंने पावर दिया। अब इसको हम वेट करेंगे, आप एक मिनट या 30 सेकेंड जो भी टाइम लो कैमरा लो। ये आपका जब IP फाइंडर टूल इसका सॉफ्टवेयर है, वैसे इसका बाई डिफॉल्ट IP है, CP प्लस का है अगर, तो 192.168.1.250 इसका IP है, अगर धुआ का यूज़ करते हैं तो 192.168.1.108 रहेगा बाई डिफॉल्ट IP, ठीक है। जैसा कि हम मैंने लगाया और यहाँ पे हमारा IP सर्च कर गया, ठीक है, मॉडल्स भी आ गए, IP भी 250 दिख रहा है आपको। इसको आप ये जो ई का सिंबल दिख रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर खुल जाएगा, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर पे जा करके भी आप डायरेक्टली IP टाइप करके आप लॉगिन कर सकते हैं,
यहाँ पे मैं करता हूँ, जब आप नया लेंगे तो आपको इनिशियलाइजेशन करना ही करना पड़ेगा, कैमरे का आईपी और पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं नहीं चेंज किया हूँ, अभी मैं इसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मल्टीपल्स जब कैमरे रहेंगे आपके पास तो वो आईपी कन्फ्लिक्ट होने का चांसेस रहता है, इसीलिए आप ये कर लेंगे। अब इसका जो पासवर्ड है ADMIN मैंने बनाया था 1 8 1 2 3। इसे हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। ये प्लगइन्स डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन देगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा तभी आपको फुटेज दिखेगा। यहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे, जैसा कि हमने कैमरे का आईपी बताया था वो डाल दिया। लॉगिन करने के बाद ये पिक्चर आपके सामने खुल गया, ठीक है। अब हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले हम ये जो सेटिंग्स देख रहे हैं ये कैमरे के कर सकते हैं, ये ऑडियो के लिए है, ये वीडियो के लिए है, और ये नेटवर्क में है। नेटवर्क में आप चाहे तो लैन कॉल के थ्रू है, DSCP कीजिए और ये ऑनलाइन हो जाएगा, या फिर अगर सिम से यूज़ कर रहे हैं जैसा मैंने बताया तो ये आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये रहेगा। मैं डिफ़ॉल्ट करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर जिसका है, मैं इसे जैसे यूज़ किया हूँ जियो का सिम, तो जैसे APN इसका है जियो नेट, ठीक है। मैं डाल करके इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये जो आप देखिए, आपको IP यहाँ पर ये सिग्नल्स जो देख रहे हैं आप, ये इसका फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी आपके मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी है। जितना कम रहेगा उतना दिक्कत होगा आपको नेट से अटैच होने में। और ये आपका IP4 है, यहाँ पर आपको IP अलॉट कर देगा, और ये आपका सिम का है, डाटा सिम कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार हम सेव करते हैं। आप APN जियो नेट आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि जियो का है, और यहाँ पे जैसे यूज़ करेंगे सेव करेंगे एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो ये आपको IP अलॉट कर देगा। जब IP अलॉट कर देगा तो यहाँ पे एक्सेस प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाइएगा, इसे इनेबल कर दीजिएगा, एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा तो ये आपको ऑनलाइन भी आ जाएगा। तब तक मैं दूसरा सेटिंग कर लेता हूँ, जब तक ये ऑनलाइन देगा। 2 मिनट वेट लेगा, ये टाइम लेते हैं। यहाँ से आप अगर वायर से कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको DSCP करना है, और अगर राउटर से है तो राउटर आपको IP अलॉट कर देगा, या फिर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो यहाँ पर IP चेंज कीजिए। 250 है मान लीजिए, कुछ भी डालना है, 11 डाल देते हैं कैमरे का IP, तो 11 का IP हो जाएगा कैमरे का आपका, ठीक है। अब हम आते हैं कैमरे में कंडीशन में। यहाँ पर आप कैमरे का एक्सपोजर, पिक्चर्स, बैकलाइट, WDR फीचर्स वगैरह यहाँ सारा सा आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। IR लाइट वगैरह क्या कंडीशन रखना है आपका, वाइट बैलेंस्ड, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ऑडियो के लिए यहाँ पे आप माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मेट है यहाँ से मल्टीपल फॉर्मेट फ्रिक्वेंसीज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लीजिए, और वीडियो में जा करके ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट S.264 रहता है, इस तरह से इसको आपको बनाना पड़ेगा S.265, जिससे आपकी जो रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी है SD कार्ड की, वो आपका लगभग 90% बैंडविड्थ रिड्यूस कर करके बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो ये था प्रोसीजर। एक बार मैं आपको वाई पे भी दिखा देता हूँ कि अब तक आ गया होगा। ये देखिए आपका ये ऑनलाइन आ गया। अब मैं आपको मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। जैसे ये हमारा एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन का नाम है GCMOB, ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ जाएंगे इस वाले सिंपल पे, ये वाले ऑप्शन पे, राइट हैंड साइड ये वीडियो का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, प्लस पे सिंपल पे क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, वर्ड पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। ये सीरियल नंबर का स्कैनर आ गया आपका, इस पर क्लिक कीजिएगा, और आपको ये का स्कैन कर लिया। जो कैमरे का आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यूज़ कीजिए, मैंने बनाया admin@123। सेव कीजिए, इसको लिख दीजिए 4G कैमरा, या जो भी आप कैमरा का नाम लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से वो कर दीजिए। लिख रहा है डिवाइस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ये ऑलरेडी ऐड कर चुका था, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधे आपको लाइव दिखाते हैं।
इस पर क्लिक करेंगे, ये हमने 4G ऐड किया, लाइव प्रीव्यू पे गए, ये जैसे फ्रेंड्स ये आपका सामने आपको दिख रहा है। अब मैं इसके हाथ फिर में करूँगा तो ये लाइव आ रहा है आपका, ठीक है, डैट इज मीन्स ये लाइव भी चल रहा है आपका। यहाँ से आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, या फिर ये जितने भी ऑप्शन है आपको 2D कम्युनिकेशन के लिए है तो ये स्पीकर है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर माइक लगाएंगे तो आप यहाँ से बोलेंगे तो स्पीकर के लिए आवाज़ सुनाई देगा, अगर आप वहाँ से कोई बोलता है तो आपको स्पीकर पर सुनना पड़ेगा, तो स्पीकर का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये स्पीकर का सिंबल आपको आपका दिया हुआ है, इस पर आप करेंगे तो ये आप। मैं प्लेबैक दिखाना चाहता हूँ, तो ये आपका प्लेबैक का ऑप्शन है। तो मैं 2 दिन से कैमरा टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, आज ये 5 तारीख है, तो 5 तारीख का गया 5 अगस्त 2021, ये आपका रिकॉर्डिंग इसमें दिख जाएगा। ये देखिए रिकॉर्डिंग चलने लगा 10:50 पर, तो आप इसमें रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये आपका फाइल टाइप जो रिकॉर्डिंग होगा वो DAV फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और बाकी आप स्नैपशॉट चाहते हैं तो स्नैपशॉट भी मिल जाएगा आपको, सेटिंग्स करना पड़ता है उसमें भी आपको। बस यही था आपका, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको इसको पोल बॉय आप वॉल माउंट पे कहीं पे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी वायर, सिर्फ आपको पावर देना पड़ेगा। पावर के लिए आप अगर पोल वगैरह पे माउंट कर रहे हैं तो आप सोलर पैनल और UPS के मदद से आप डायरेक्टली पोल पे ही माउंट कर दीजिए, आपको कहीं भी वायर वगैरह आपको लाइन करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि आप वायर जितना कम से कम यूज़ करेंगे ऑनलाइन करने में तो आपको कन्वीनियंट होगा, आपको ऑनलाइन देखने में भी और मेंटेनेंस में भी। अब आपको लाइव देखना है या आप यहाँ से देख सकते हैं, ये किसी भी कैमरे में किसी भी आपके NVR में आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑन भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट्स में जाएंगे और आपका ये सिस्टम है आपका, अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑन भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड यूजर का ऑप्शन देंगे, यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड बनाएंगे, सेव करेंगे और फिर आप जब जो IP डालेंगे वो उसी यूज़र से बनाएंगे, ऑनवेब यूज़र से, तो आप वहाँ पे भी ऐड करा के देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप ये स्टोरेज है आपका, शेड्यूल बना सकते हैं इसमें, क्या क्या शेड्यूल है आपका इसमें, जिस दिन आपको चाहिए रिकॉर्डिंग उस दिन मिलेगा आपको, मौसम में चाहिए रेगुलर में चाहिए वो सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आता हो, सेटिंग्स कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो आप अकाउंट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, कैमरा आपको फिर से बिल्कुल नया जैसे आपके सारे सेटिंग्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो ये था इस कैमरे का ओवरऑल प्रोसीजर, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।